मेरा नाम उस्ताद सलामत हुसैन है, बासरी नवाज हूँ और अब तो बड़ा करम है अल्लाह का मेरे पे और मेरे इतने सीडी हैं, इतनी कैसेटें हैं कि पूरे पाकिस्तान में किसी की इतनी सीडी नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने बड़ी मेहनत की। एक दौर जो मेरे पे गुज़रा वो ये था कि मैं सदर से बांसुरी ख़रीदता था दो दो आने की। उसके बाद में मैं एक मज़ेदार आज आपको अपनी एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ और सही कहानी। तो क्या हुआ कि वो मैं दो आने की बांसुरी लेके आया तो जैकब लाइन की झोंपड़ियों में हम लोग रहा करते थे, तो वहाँ एक फ्लैट था उसमें कुछ मेहमान दूसरे भी रहते थे। वो पता चला कि पीआईए की लोग रहते हैं उसमें, तो हम बैठ के रात को वहाँ बांसुरी बजाया करते थे खूब। दो तीन लड़के और भी थे हमारे साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से एक पर्चा आया और पर्चे में लिखा हुआ था जाएं तो जाएं कहाँ, वो टैक्सी ड्राइवर का गाना था। तो वो हमने बजा दिया। बजाने के बाद में वो एक दूसरा पर्चा और आ गया एक दिन, उसमें लिखा हुआ था तूने मेरे जख्म जिगर को छू लिया। अब वो जो हमने बजाया तो वो उनकी अम्मी ने भी सुन लिया। वो हुआ ये कि फिर उसका एंड बहुत ख़तरनाक था वो बताना नहीं सकूँगा, लेकिन हुआ यह कि उनकी अम्मी मेरे झोंपड़ी में आ गई। उन्होंने आन के कहा कि भाई ये जो तुम्हारा बेटा बांसुरी बजाता है, अगर इसने बांसुरी बंद नहीं की तो हम इसको पकड़वा देंगे। अब उसमें मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी था, मेरे साथ दो तीन और भी थे ना, जिसमें इस्माइल तारा भी था और पता नहीं उस ज़माने के कौन कौन थे। तो हम लोग सैरी भी जगाने जाते थे। फिर तो क्या हुआ कि भाई वो हमारी अम्मी को पता चला तो उन्होंने झाड़ू लेके हमारी वो पिटाई की कि रहना हम अल्लाह का। तो भाई हमने कहा कि आप क्यों मार रही हैं, कहने लगे आप वहाँ बांसुरी क्यों बजाते हो उनके जाके। मैंने कहा अम्मी मैं पागल थोड़ी हूँ, वो तो उनकी बच्चियाँ वहाँ से पर्चे भेजती हैं तो हम बजाते रहते हैं। कह रही गलत बात है, अब आइंदा आप वहाँ आप नहीं बैठेंगे और ना बांसुरी बजाएंगे। तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा भाई अब ये तो शौक़ तो है, तो हमारी झोंपड़ी में एक तख्त भी पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया हमने तख्त के ऊपर हम बैठ गए, ऊपर फर्द ले ली और हम सीधी बांसुरी पे ऐसे करके हम प्रैक्टिस करते रहे। ताकि किसी को आवाज़ ना जाए, वो हम करते रहे। उसके बाद में क्या हुआ कि उधर से कुछ लोग और भी जाते आते रहते थे। फिर एक मर्तबा ये हुआ कि वहाँ एक बैंड आया। जब बैंड आया तो हमने उनसे कहा, हमने कहा यार हमें बड़ा शौक़ है तो आप हमें पता बता दें तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप डांस हॉल उतरें, वहाँ से सामने आए तो फिरोज़ बैंड नज़र आएगा आपको, वहाँ आ जाएं। बस हम वहाँ चले गए। जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पता चला कि लाल मोहम्मद साहब भी यहाँ आते हैं। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या आता है, मैंने कहा जी मुझे बांसुरी बजानी आती है, कहो तो अभी सुनाऊँ। इतने में लाल मोहम्मद साहब के पास भी एक बांसुरी थी, वो मैंने बजाना शुरू कर दी। तो बैंड वाले तो सब बहुत खुश हुए। गर्ज ये कि हम बैंड में फिक्स हो गए, अभी हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था। तो ये सिलसिला चलता रहा थोड़े दिन। उसके बाद में वो हमें नीचे एक हमारे मोहतरम कोई थे, वो उन्होंने कहा कि भाई सुनो बात सुनो, सुना तुम बांसुरी वांसुरी भी बजाते हो। मैंने कहा हाँ। तो तुम्हारे पास बांसुरी हैं, मैंने कहा हाँ हैं। तो कहने लगे जाओ लेके आओ तो फिर रात को हमारे साथ चलना। तो हम उनके साथ बांसुरी ले आए, उनके साथ चले गए।
उनके साथ गए तो उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और फिर ये हुआ कि एक तो हमें बांसुरी बजाने का सही मौका मिला, फिर उनके साथ कई रातें हमने गुजारी, फिर उनका नाम मैं आपको बताऊं तो अल्लाह ने उनको भी बड़ा मकाम दिया था, उनका नाम था नज़ीर शीले। नज़ीर शीले जो थे ये म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए फिर बाद में, और ये मेरे से बहुत प्यार करने लगे। तो अब मैं जहाँ भी जाऊँ तो नज़ीर शीले मुझे फ़ौरन बुला लें कि भाई, उस ज़माने में इनकी एक फ़िल्म बन रही थी वहाँ डांस हॉल से आगे जाके, तो एक बड़ा हॉल था वहाँ, रिहर्सल होती थी, तो उस फिल्म का नाम था गरीब। तो वो हमने उसके गाने वाने बजाए तो लोग बड़े खुश हुए भाई, तो ये सिलसिला चला। ये जो मैंने अभी आपके सामने गाना बजाया ये 1962 का है, खलील अहमद साहब की मौसीकी में था, और माला ने गाया था। माला का भी पहला गाना था, मेरा भी पहला गाना था, और लहरी साहब से एक लतीफ़ कबाडिया से तो मेरी बड़ी अच्छी याद अल्लाह थी, और लहरी साहब के जितने प्रेस कलम में लतीफ़े होते थे उनको बुलाया जाता था, उसी में मेरा भी कई मर्तबा मेरा वहाँ प्रोग्राम हुआ प्रेस क्लब में, तो उनसे सलाम दुआ रहती थी, जान पहचान रहती थी। इसी तरह से मैं एक दिन लियाकत नेशनल में जा रहा था या निकल रहा था, तो मैंने देखा एक बैट के ऊपर लतीफ़ कबाडिया जा रहा, तो मैंने जब देखा तो मैंने ज़ोर से थोड़ी तरफ उनकी तरफ देखा, तो उसने मुझे लेटे से ऐसे हाथ हिलाया मेरे साथ। ये उनका पता नहीं आखिरी एक सलाम था, आखिरी दीदार था। अल्लाह उनकी मगफरत करे और अल्लाह उनको उनके बच्चों को खुशी दे।